लोग खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जन्म से हमारे साथ नहीं होते, लेकिन जिंदगी की राह में, जिंदगी के सफर में वो रिश्ते जुड़ जाते हैं और कुछ ऐसे बन जाते हैं जो अटूट हो जाते हैं। आज इस खास पेशकश में हम आपसे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के रिश्ते पर बात करने वाले हैं। ये रिश्ता जो सगे भाई बहनों से भी ऊपर है, ये रिश्ता जो खून से नहीं बना, ये रिश्ता बचपन से नहीं जुड़ा। फिल्मी दुनिया में जब स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने सुरों की बदौलत हर जगह छा रही थी, अपने स्टारडम को लेकर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार हमेशा चर्चा में रहने लगे थे, तभी ये रिश्ता बना और इसका खुलासा साल 2000 में लता दीदी ने किया। सबके सामने पहली बार दिलीप कुमार को राखी बांधते हुए लता मंगेशकर ने कहा कि अब तक हमने ये त्योहार मनाया है अकेले, लेकिन आज सभी के सामने आपको राखी बांधकर मैं सबको बता देना चाहती हूं कि आप मेरे भाई हैं और ये रिश्ता हमारे लिए बेहद खास है। लता दीदी ने न सिर्फ दिलीप कुमार को यहां राखी बांधी, बल्कि ये भी बताया कि दिलीप कुमार उनकी जिंदगी में कितने खास है। भाई बहन के इस रिश्ते से जुड़ी कुछ दिल छू लेने वाली बातें हम आपको बताएंगे, जैसे आपके भाई और मेरे भाई हमें लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, हमारी चिंता उन्हें सताती है। खून का रिश्ता नहीं था दिलीप कुमार और रेखा के बीच, लेकिन लता दीदी की चिंता हमेशा दिलीप कुमार को सताई है। लता दीदी किस तरह के गाने गा रही हैं, कैसे लोगों से मिल रही हैं, इन सभी चीजों ने दिलीप कुमार को परेशान किया है। एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट की गहराई को समझिए और ये वीडियो जरूर देखिए। देखिए जरा। Thank you.
तो देखा आपने किस तरह से लता मंगेशकर खुद कहती हैं कि दिलीप कुमार हमेशा उन्हें लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं, हमेशा भाई की तरह लता दीदी को प्यार उन्होंने दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब लता मंगेशकर ने जो प्यार दिलीप कुमार को दिया है उस पर चर्चा करते हैं। प्यार लता मंगेशकर ने भी दिलीप कुमार को बेशुमार दिया है। दिलीप कुमार जब साल 2017 में बीमार हो गए, जब उनके निधन को लेकर झूठी खबरें चारों तरफ फैल गई, तब लता मंगेशकर ने एक ट्वीट किया जो हर किसी के दिल को छू गया। क्या हुआ और लता दीदी उस पर क्या कही, देखिए जरा। खैर, भाई और बहन के रिश्ते की खूबसूरती और पवित्रता को रिश्तों शब्दों में बयां कर पाना हमेशा मुश्किल होता है। लता मंगेशकर और दिलीप जी की रिश्ते को बयां करना भी नामुमकिन है। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेटेड।